आज फिर से एक वीडियो को लेकर आपके सामने। आज का टॉपिक है रोल ऑफ अपलाइन डाउनलाइन इन एमएलएम। रोल ऑफ अपलाइन डाउनलाइन इन एमएलएम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको इन फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारा नॉलेज और सारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो कम टू द टॉपिक, टॉपिक पे आते हैं, रोल ऑफ अपलाइन और डाउनलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ कुछ अहम बातें जो आपको मैं बताता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, चाहे तो वो अपलाइन होंगे चाहे तो वो डाउनलाइन होंगे, तो मेरी कोई भी बातें शायद आपको बुरा ना लगे, इसलिए मैं ये बातें आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि जो मैं अभी इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्चुअल बात है अपलाइन को लेकर और डाउनलाइन को लेकर। शायद मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा पाऊँ कि अपलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, अपलाइन क्या आपके लाइफ में रोल अदा करता है, उसी तरीके से डाउनलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है और डाउनलाइन एक अपलाइन के लाइफ में क्या रोल अदा करता है, मैं वो बताऊंगा। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, शायद ये बहुत हटके और बहुत अलग वीडियो है सारे वीडियो से। तो कम टू द टॉपिक, सबसे पहला शुरुआत करते हैं अपलाइन। तो मैं आपको एक डेफिनेशन के रूप में बताता हूं कि अपलाइन क्या है। जब भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की प्लान को देखते हैं, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बारे में सोचते हैं, एक बंदा होता है जो आपको प्लान दे रहा होता है, एक बंदा होता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। प्लान देने वाला कौन है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो स्पॉन्सर कर रहा होता है, स्पॉन्सर इन द सेंस कि जो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करा रहा होता है, वो स्पॉन्सर होता है। और वो स्पॉन्सर को ही जब टेक्निकल नाम देते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में उसी का नाम आता है अपलाइन। तो पहले ही दिन से देखिए, यहाँ पे दोनों लोग, दोनों अच्छे तरीके से बातों को सुनिएगा, अपलाइन और डाउनलाइन। पहले ही दिनों से अपलाइन ये सोच के आपको इस बिजनेस में लाता है कि ये मेरा स्पॉन्सर, ये मेरा डाउनलाइन दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये अपलाइन का परिभाषा मैं आपको बता दिया। दूसरा, डाउनलाइन का परिभाषा थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो बंदा आपको प्लान दिखा के आपको इस बिजनेस में ला रहा है और आप जिसके माध्यम से इस बिजनेस में आए हैं, आप उसके डाउनलाइन हो गए उस बिजनेस के अंदर में। तो ये डाउनलाइन की परिभाषा हो गई। और डाउनलाइन पहले ही दिन से दोनों के अंदर में मैं होता क्या है बता रहा हूं, पहले दिन से एक पॉजिटिव सोच के साथ अपलाइन डाउनलाइन के साथ चलता है, लेकिन डाउनलाइन की उतनी पॉजिटिव सोच नहीं होती जितना अपलाइन की पॉजिटिव सोच होती है। देखिए, शुरू कहां से, खेल शुरू होता है, माजरा कहां से खराब होता है, अच्छा होता है, दोनों चीज समझा रहा हूं। पहले ही दिन से जब अपलाइन आपके प्रति बहुत अच्छा और फेथफुल सोच के, ये इकलौता व्यवसाय है मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको स्पॉन्सरिंग करने वाला आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सोचता है। रेयर अपलाइन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आपके प्रति, मतलब पहले दिन से नहीं, वो लास्ट में होता है, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो के आगे पार्ट में। लेकिन अभी जो हम टॉपिक में बात कर रहे हैं वो समझिएगा। होता क्या है कि अपलाइन आपको अपना बेसिक तरीके से हर वो चीज देता है, आपको प्लान करना सिखाता है, आपको फॉलोअप करना सिखाता है, आपको ज्वाइनिंग दिलाना सिखाता है, आपको ट्रेनिंग देना सिखाता है, आपके वो टीम को बनाना चाहता है। अब समझिए होता क्या है कि जब अपलाइन यहां पे ये सारा कुछ कर रहा होता है, तो सिर्फ वो डाउनलाइन से एक चीज चाहता है, वो ये चाहता है कि रेस्पेक्ट करते हुए वो मेरी बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। देखिए, होता क्या है कि जब अपलाइन आपके साथ काम कर रहा होता है, अपलाइन जब आपके साथ पूरे दिन रात भाग के आपको तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, तब उस समय क्या होता है कि डाउनलाइन की जो एक मानसिकता होती है उसके दिमाग में कहीं ऐसी बात सेट हो जाती है, कई बार ऐसी बात सेट हो जाती है, और ये मैं बता रहा हूं कि 100% में 90% चांस ऐसा होता है कि डाउनलाइन सोच लेता है कि इसकी जरूरत है इसलिए ये मेरे पीछे भाग रहा है, इसको बड़े बड़े चेक कमाने हैं इसलिए मेरे पीछे भाग रहा है। याद रखिए दोस्तों, ये बात आप सोच रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि आप कितना अच्छा सोच रहे हैं और कितना बुरा सोच रहे हैं, लेकिन जब आप ये सोच रहे हैं तो आप ये भी क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये बंदा अपना कमाने के बारे में सोच रहा है, तो इसके कमाने की वजह से, सिर्फ इसके बातों पर, इसके बताए गए रास्ते पर अगर हम सही तरीके से चलते रहे, अगर उसने एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ कि अगर उसने अपने लाइफ में 1,00,000 कमाने का प्लान सेट किया है वो हफ्ते का, तो सर आप कम से कम एटलीस्ट किसी भी कीमत पे 50,000 कमाएंगे। और अमीरी की परिभाषा में साफ लिखा हुआ है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी एक राइटर, उनके परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि अमीर बनने के लिए आपके बारे में, आपके सराउंडिंग में ऐसा लोग जरूर होना चाहिए जो आपको अमीर बनाने के बारे में सोचता है, वो माध्यम कुछ भी रहे, खुद उसकी प्रॉफिट उसमें क्यों ना रहे, लेकिन अगर वो सोचता है तो आप अमीर डैम श्योर बनेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब अपलाइन इस तरीके से सोच रहा होता है और अपलाइन इस तरीके से चल रहा होता है, तो सिर्फ डाउनलाइन की जिम्मेवारी इतनी बनती है कि उसको कॉपी कैट बने, उसका फॉलोअर बने, उसके अच्छे तरीके से फॉलो करे चीजों को। जब आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको वो जो अपलाइन दिलाना चाहता है वो मिल जाता है। याद रखिए, एक दिन आप भी किसी ना किसी के अपलाइन बनेंगे जो डाउनलाइन है अभी।
और याद रखिए कि जब आप अपलाइन बनेंगे तो तब आपकी आपको अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी, तब आप समझ पाएंगे कि एक डाउनलाइन के बारे में अपलाइन क्या सोचता है। तो याद रखिए कि जब भी आपको अपलाइन मिले, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन मिलना ये बहुत सौभाग्य की बात है, और अच्छा अपलाइन मिलना और भी सौभाग्य की बात है। जब आपको अपलाइन मिले और आपके साथ प्रॉपर प्लानिंग करे तो बी सीरियस, आप सीरियस हो जाइए इस बिजनेस के अंदर में कि आपका इस बिजनेस में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। आपके सामने मैं बता रहा हूं, कई ऐसे नेटवर्कर हैं जिनका कोई अपलाइन ही नहीं होता, बेचारा को ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवा के खुद अपलाइन रख लिए, और वो बंदा अपने वाई और अपने गोल और अपने ड्रीम्स की वजह से उस बिजनेस के अंदर में काम करता रहता है। सोचिए वो कितना अभागा होगा, अपलाइन भी और डाउनलाइन भी, कि जो अपलाइन के नीचे में इतना कर्मठ एक डाउनलाइन आता है जो काम करता है और उसके बाद भी अपलाइन क्विट करके चला जाता है, और दूसरा कि वो डाउनलाइन इतना मेहनती और इतना जुझारू है उसके बाद भी बिना अपलाइन का काम करता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं इस बात से कि आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है अपलाइन भी और डाउनलाइन भी, अपलाइन की जिंदगी में अहमियत रखता है। तो आज से ये बात अपने दिमाग में सेट कर लें कि मुझे एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से। एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा, एक छत और एक सीढ़ी, क्या छत की खूबसूरती बिना सीढ़ी के है? क्या सीढ़ी की बिना खूबसूरती छत के है? आप सीढ़ी चढ़ के करेंगे क्या जब छत ही नहीं रहेगा जिस पे चढ़ना है? छत रख के करेंगे क्या जब चढ़ने की सीढ़ी ना हो? तो इसी तरीके का रिलेशन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बनाना है कि हम जितना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर में उतना ही मेरी अपलाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अपलाइन जितना इंपॉर्टेंट है अपने इस बिजनेस के लिए उतना ही उसका डाउनलाइन भी इंपॉर्टेंट है। अब समझाना मैं चाहता हूं कि किस तरीके से आप देखें कुछ दिनों तक कुछ तरीके से। देखिए समझ में आता है कि मुझे बिजनेस के अंदर में लाने वाला अपलाइन ही है, जब डाउनलाइन आके काम करके, देखिए सिंपल सी बात है, आप बहुत लकी डाउनलाइन है कि आपको अपलाइन अपना दिमाग भी दे रहा और आप अपना दिमाग भी लगा रहे। तो आप याद रखिए कि जब दो ब्रेन एक काम पे लग रहा हो तो ग्रोथ तो आपका डैम श्योर ही होगा। तो याद रखिए कि आपका जब अपलाइन आपको लेके आपके साथ काम कर रहा होगा तो आप बेहतरीन तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, और आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट्स है जो आपको मैं बताता हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। कई अपलाइन ऐसे होते हैं ना कि उसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं जो डाउनलाइन उनको उस तरीके से रेस्पेक्ट करता है, उस तरीके से इज्जत करता है, हर चीज करता है, तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हो सकता है वो आपसे कई बार आपसे गलत भी करवा लेते हैं वो चंद अपने फायदे के लिए। तो भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे अपलाइन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया ऐसा अपने डाउनलाइन के साथ ना करें। हो सकता है कि आप ऐसा करके चंद प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन एक डाउनलाइन की आप जिंदगी एक भविष्य बर्बाद करें। कृपया करके आप ऐसा ना करें, आप अपनी सोच वैसा ही रखें जैसा आप पहले दिन उसको ज्वाइन कराने के दरमियान में रखे थे। बड़ा छोटा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपलाइन आप हैं, आप एक बात याद रखिए कि डाउनलाइन आपका कितना भी ग्रोथ कर ले आपसे ऊपर नहीं जा सकता डाउनलाइन के मामले में। बिजनेस के मामले में, पैसे के मामले में हो सकता है, लेकिन डाउनलाइन काउंट के मामले में आपसे ऊपर नहीं जा सकता। एक डाउनलाइन उससे आपका ज्यादा ही रहेगा। तो ये चीज आज के बाद से सारे अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउनलाइन को एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए डाउटर, एज ए सन आप ट्रीट करके उसको बेहतरीन बनाए। और अगर हम सारे अपलाइन इन चीजों पर ख्याल रख लिए तो विश्वास मानिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में यही वो बिजनेस होगा जिसके अंदर में सक्सेसफुल की जो काउंट होगी ना वो बहुत ज्यादा होगा। मैं डाउनलाइन से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि डाउनलाइन होने के नाते आप आते हैं बिजनेस के अंदर में, बहुत अच्छी बात है, आपको गाइड करता है, आप सीखिए, आप जितना जल्दी कोशिश करिए कि आप सारी चीजों को सीख के एक बेहतरीन डाउनलाइन बन जाए जिससे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी अपलाइन कहीं खड़ा हो और एग्जाम्पल दे तो डाउनलाइन का एग्जाम्पल अगर दे तो उसमें एक नाम आपका भी आना चाहिए, और इस तरीके की डाउनलाइन बनने की जरूरत है। जब आप इस तरीके का तालमेल आपस में दोनों लोग रखेंगे तो इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी फैक्ट, कोई ऐसी चीजें बच ही नहीं जाती नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो आपका कुछ बिगाड़ सके। आप अपलाइन और डाउनलाइन जब अपना फाउंडेशन पूरा टाइट रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता। अक्सर होता है क्या कि अपलाइन डाउनलाइन की फाउंडेशन ही खराब हो जाती है, चाहे वो तीसरा कोई बीच में घुसता है, वो अपलाइन डाउनलाइन के बीच में तीसरा घुसता है, चाहे तो वो अपलाइन को ये बोल देता है कि आपके डाउनलाइन जिसके पीछे आप समय दे रहे हैं वो आपको मतलब वो आपके लिए कुछ नहीं सोचता, वो बेकार है, वो मतलब कोई मतलब का नहीं है, उसके पीछे आप बेकार समय दे रहे हैं, आपकी भविष्य अंधकार में चली जाएगी। ये बात अपलाइन को कभी कई लोग बोल देते हैं, और कई बार कई लोग डाउनलाइन को बोल देते हैं कि तुम जिसके साथ काम कर रहे हो वो बंदा तो आज तक कुछ कर ही नहीं पाया, वो बड़ा कुछ कर ही नहीं सका, वो ऐसा है, वो ये है, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोचता नहीं, गलत सोचता है। और इस बीच में क्या होता है कि दोनों आपस में खटपट हो जाता है, और जिस चीज को, जिस
विजन को हम लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, अपलाइन डाउनलाइन दोनों मिलके, वो सारा विजन वही के वही धरा रह जाता है और हम दोनों अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, बट जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि दिखाते हैं तुमको कैसे होता है बिजनेस, अपलाइन डाउनलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन को। अपलाइन कभी ये कह डालता है कि तुम्हारी वजह मैं करके दिखाऊंगा बेहतरीन, और डाउनलाइन ये कह देता है कि आपसे अच्छा अच्छा अपलाइन मिल जाएगा और हम उड़ा के रख देंगे। सर ना आपको अच्छा अपलाइन ढूंढने की जरूरत है, ना अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि ना आप उनको छोड़िए, आप दोनों आपस में म्यूचुअल बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग करिए कि आपके बीच में कोई ना घुसे, आपको 10 बात कोई चुगली भी करे, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन दोनों को अगर 10-10 बात कोई चुगली भी करे, तो आप अपनी बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त बनाइए कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जाइए उसके कंपनी के ऑनर और उस कंपनी के और भी जितने भी बिजनेस एसोसिएट हैं वो देख के दंग रहे कि हां मैंने ग्रुप देखा है, हां मैंने सोसाइटी देखी है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन देखा है, वो बेहतरीन देखा है, वो आपके साथ देखा है, आप जो भी हैं अपलाइन और जो भी हैं डाउनलाइन उनके साथ देखा है। और आज के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ मुझे समझ में आता है कि आप ये सारा टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और आज इस वीडियो के बाद से मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि आप अपलाइन होने के नाते आप अपना रिस्पेक्ट अपने पास रखिए, और डाउनलाइन होने के नाते आप अपना रिस्पेक्ट अपने पास रखिए, और दोनों एक दूसरे का इज्जत करें, चुगली ना करें, बेहतरीन होगा आपके आपके फ्यूचर सक्सेस के लिए, ये बहुत बढ़िया होगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप।